तो गाइस देख सकते हो मैंने अभी अपना आईडी पहना है, तो उसमें ये बैच देख सकते हो आप लोग। ये जो 3 इयर्स का बैच है ये अभी मिला है मुझे, तो जब आपको 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं तब आपको मिलता है। और जब हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं बैंगलोर फिर से ट्रेनिंग के लिए। ये ट्रेनिंग फिर से क्यों है वो मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी ये देख सकते हैं हमारे बैग वगैरह रेडी हो चुके हैं यहाँ पे, और ये हमारे बाइक है इस पर लेके जाएंगे। अभी देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक करके आ चुके हैं। ये है हमारा वो जो देख सकते हैं 1 अल्फा दिख रहा है, वो हमारा गेट है, तो वहाँ से हमको अंदर जाना है। और ये देखो अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ है, फ्लाइट को स्टिल 1.5 आवर है। देख सकते हो अभी फ्लाइट में बैठ चुके हैं हम लोग, और अभी फ्लाइट में यहाँ से देखो बाहर का देख सकते हो आप लोग, पूरा एयरक्राफ्ट खाली दिख रहा है। ये देख सकते हो आप लोग, वैसा अभी स्टार्ट हुआ, हम स्टार्टिंग में आके बैठ चुके हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे बेंगलोर के लिए, तो 1 घंटे में बेंगलोर में पहुँच जाएंगे। तो बेंगलोर में पहुँच के फिर हमको दिखाते हैं बेंगलोर एयरपोर्ट। ऑलरेडी आपने बेंगलोर वाला ब्लॉग देख ही लिया होगा, तो अभी फिर से जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। तो अभी देखते हैं बेंगलोर पहुँच के आपसे बात करते हैं। हेलो गाइस, तो अभी उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम बेल्ट नंबर 4 पे। हमारे साथ जो 2 लोग हैं उनमें से एक ने चेक इन किया था, तो उसका बैगेज है बेल्ट नंबर 4 पे, तो अभी उधर जा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हो अभी यहाँ से निकलेंगे हम अराइवल की तरफ। तो गाइस पिकअप नंबर 10 पे क्या भाई है हमारी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पिकअप नंबर 10 पे। देखो उस पर नंबर लिखे हुए 12, 11 और 10, और 10 वाला आगे है। अभी हम लोग उधर जा रहे हैं 10 नंबर पे। अभी देखते हैं हमारी कैब किधर है। तो गाइज अभी कैब आ चुके हैं अपने, अभी कैब में बैठे, अभी जा रहे हैं हम होटल की तरफ। दादा यहाँ से कितना दूर है? आधा घंटा। बाप रे, यहाँ से करीब आधा घंटा लगेगा। तो गाइज देख सकते हो अभी आ चुके हैं होटल में। अभी यहाँ पे हमारा चेक इन करेंगे, पहले सारा डिटेल्स भर के देते हैं यहाँ पे। और ये रहा कैफेटेरिया, देख सकते हो। तो गाइज अभी चेक इन हो चुका है, अभी जा रहे हैं रूम पे। हमें रूम नंबर मिला है 3004। तो अभी जा रहे हैं ऊपर, ये रही लिफ्ट। तो गाइज आ चुके हैं रूम में, आप ये देख सकते हो ये है हमारा रूम। बैग ले क्या रे, ये देख सकते हो रूम तो काफी मस्त लग रहा है। और ये है हमारा वॉशरूम, यार ये तो काफी बड़ा है, देख सकते हो आप लोग कितना मस्त लग रहा है। और इतना बड़ा है, उतने में तो एक 1 आवर के रूम हो जाएगा उसमें। और ये रहा हमारा बालकनी, तो किसी इसमें है नहीं है, सुबह दिखाऊंगा यहाँ से बाहर क्या है क्या नहीं है। अब देख सकते हो ये हमारा टीवी वगैरह है, और ये कबर्ड है, और ये देखो एज यूजुअल जैसे रहता है 2 कप है, और ये गर्म करने के लिए कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, और ये देखो कॉफ़ी के पैकेट्स है। ओ भाई साहब एकदम मस्त लग रहा है। अभी गाइस डिनर भी लग चुका है, अभी जाएंगे थोड़ी देर में डिनर करने नीचे, थोड़ा फ्रेश वगैरह होते हैं फिर चलते हैं नीचे। नीचे जाके डिनर वगैरह करते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे डिनर में क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल पहले फ्रेश होने चलते हैं। और ये क्या है, ये देखो वार्डरोब, वार्डरोब भी गाइस देख सकते हो कितना बड़ा वार्डरोब है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अभी चलते पहले नीचे जाके डिनर वगैरह करेंगे। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, पहले फ्रेश होते हैं फिर निकलते हैं नीचे डिनर के लिए खाना। तो गाइस अभी खाना खाने आ चुके हैं, अभी डिनर में लिया है दाल और आलू गोभी, और ये क्या है बटर रोटी लिया है, और ये है सरोज, और ये साहिल, पहचान कराना भूल गया था मैं। और अभी कर रहे हैं डिनर, और ये देख सकते हो
अभी खाना खाते हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर दिखते हैं क्या कर सकते। पहले खाना कंप्लीट कर लेते फिर चलते ऊपर। तो गाइस अभी डिनर कंप्लीट हो चुका है हमारा और अभी आ चुके हैं रूम में। तो अभी हमने नीचे कैब के लिए भी बोल दिया है। तो हमारा जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन का रहेगा। तो आज तो हमारा ट्रेवल डे था, तो आज कुछ नहीं, कल से हमारा 3 दिन तक ट्रेनिंग स्टार्ट रहेगा। लास्ट के दिन में एग्ज़ाम रहेगा। तो अभी कल से हमें जाना है 3 दिन। तो कल 3 दिन पढ़ाएंगे और उसके हर रोज़ टेस्ट होगा, लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो लास्ट के दिन होगा। तो हर 2 साल में आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम पे दिया था। तो अभी उसको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी इसको रिफ्रेशर करना है हमें। तो हर 2 साल में आपको एग्ज़ाम देके उसको रिन्यू करना होता है। उसका वैलिडिटी सिर्फ 2 साल का ही रहता है। तो उसकी वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी 3 दिन तक मैं यहाँ हूँ, 3 दिन अलग अलग वीडियो बनाऊँगा हर रोज़। तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखना और अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुकिए। तो गाइस देख सकते हो मैंने अभी अपना आईडी पहना है। तो उसमें ये बैच देख सकते हो आप लोग, ये जो 3 इयर्स का बैच है ये अभी मिला है मुझे। तो जब आपको 3 इयर्स कंप्लीट होते हैं तब आपको मिलता है, और जब 5 इयर्स कंप्लीट होंगे तो दूसरा बैच वो तब मिलेगा। तो ये बैच अभी 5 अक्टूबर को मेरे को 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका है इंडिगो में, तो उसके बाद ये मिला है। काफ़ी खुश हूँ मैं ये बैच मिलने की वजह से, काफ़ी अच्छा लग रहा है। 9:15 को हमें रिपोर्ट करना है, 9:30 से क्लास स्टार्ट होगा हमारा। तो अभी कल शेड्यूल सेम ही रहेगा हमारा एज यूजुअल, जैसे आपने लास्ट के ब्लॉग में देखा था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।